और सेम टाइम पे शिवा को ये पता चला है कि उसे खून की कोई ऐसी बीमारी है जिससे डेथ होने वाली है उसकी, एंड सिर्फ रसाल है जो बचा सकती है उसको। लेकिन रसाल क्योंकि पेट से है तो शिवा उसको कुछ बता नहीं रहा, क्योंकि अगर रसाल उसको अपना खून देगी या अपना बोन मैरो देगी तो उसके बच्चे को कुछ हो सकता है। तो यही सब चल रहा है, जहाँ कनक चाहती है कि ये बात सामने आए तो शिवा की ज़िंदगी बच सके, और शिवा ये नहीं आने दे रहा क्योंकि वो चाहता है रसाल की बच्ची की ज़िंदगी बचे। तो अब शिवा क्योंकि हुआ ये है कि शिवा को अब ऐसा लगने लगा है कि ज़्यादा दिन है नहीं उसके पास, और वो अपनी कनक को इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो वो चाहता है कि जाने से पहले वो उसको अपना अंश दे के जाए, यानी कि वो दोनों अपनी मैरिज को कॉन्सुमेट करें और एक बच्चा पैदा हो। लेकिन चकोरी क्योंकि शिवा का कोई भी सपना पूरा नहीं होना चाहती, वो ये प्लान करती है कि कैसे भी करके इन दोनों की सुहागरात नहीं होगी। लेटर ये मिलता है मुझे सडनली कि कनक मेरी वाइफ लेटर छोड़ के गई है कमरे में कि मैं रसाल को सब कुछ सच बताने जा रही हूँ, जो कि जैसा मैंने बताया शिवा बिल्कुल नहीं चाहता। तो शिवा पैनिक करके रूम से बाहर भागता है रोकने के लिए उसको। दर्शकों को भी देखना, ये देखने को भी मिलेगा कि रसाल और शिवा का जो ये रक्षाबंधन का जो रिश्ता है उसका एक नया लेवल का टेस्ट होगा, जहाँ पे रक्षाबंधन में रसाल को अपने भाई की जान और अपनी होने वाली औलाद की जान के बीच में चुनना पड़ेगा शायद। तो कौन सैक्रिफाइस करता है, शिवा अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस करता है कि रसाल अपना बच्चा सैक्रिफाइस करती है, इतना बड़ा ड्रामा आप देखने को मिलेगा आपको रक्षाबंधन में। यही कहना चाहूँगा कि हमारा शो इतना बढ़िया चल रहा है, आपकी दुआ से आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छे से देख रहे हैं हमको, और हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा शो और ज़्यादा एंटरटेन करे आपको और ज़्यादा अच्छा ड्रामा दिखाए आपको, और इसी तरह देखते रहिए, प्यार देते रहिए हमें। जी मैं एज यूजुअल मैं कुछ ना कुछ प्लान कर रही हूँ, किसी को टपकाने का प्लान कर रही हूँ, मज़ा आता है ये तो। मतलब मेरे जैसे मेरे लिए इट्स लाइक ईटिंग फूड और वॉचिंग टीवी, मेरे पास और कोई टाइम पास है नहीं है लोगों का मर्डर वर्डर करने के अलावा। तो वही कुछ प्लान कर रही हूँ, अपनी बहुरानी है वन ऑफ द बहू उसको ठिकाने लगाने की कोशिश। लेकिन आपके गड़बड़ कर देते हैं यार, वो हमेशा गड़बड़ कर देता है। मतलब मैंने इतनी अच्छी तरह से सब कुछ समझाया कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा आधी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है, एक काम पूरा नहीं करता है मेरा, सब मुझे अकेले करना पड़ता है। बस वहाँ वीडियो बना रहे हैं हमारी दूर खड़ा। मैं अभी बोर हो गई उस कॉस्ट्यूम में, मुझे वो पुरानी वाली चकोरी लुक सबसे अच्छी लगती है, ओरिजिनल वाली। मैं नहीं थी उसमें, मतलब मैं थी लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि मैं भेस बदल के आई हूँ इस घर में, चकोरी के हिसाब से नहीं आई हूँ, ये मेरा दाइमा वाला भेस है। तो इसलिए चकोरी कुछ कर रही है कि नहीं वो ऑडियंस जान पाएगी, फैमिली नहीं जान पाएगी। 10-12 तो बदल चुकी हूँ इस शो में, 10-12 कम से कम बदल चुकी हूँ, बहुत मज़ा आया। और मैं आई थिंक आई एम दी ओनली एक्टर हु इज हैड सो मेनी रोल प्लेज इन दिस शो। मुझे सबसे अच्छा खिलौने वाला, जो पूरा डार्क मेकअप किया था मैंने, एकदम ब्लैक मेकअप किया था ऊपर चोटी वोटी करके, वो सबसे बढ़िया लुक लगा था मेरे को, एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी लड़की, लोकल लड़की लग रही थी मैं। जी बंजारन टाइप्स, हाँ तो वो दाइमा वाला गेटअप है ना अभी, तो एकदम ऑथेंटिक लोकलाइट लगना चाहिए, मैं थोड़ी मॉडर्न नहीं लगनी चाहिए, जैसे चकोरी है मॉडर्न बन गई है ग्रूमिंग वूमिंग करके 15 साल से अमीर होके, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉन्ट्रास्टिंग। तो ये है मेरी असिस्टेंट। तो ये भी लुटेरी दुल्हन है, शागिर्द जो उस जनरेशन की लुटेरी दुल्हन मैं थी, अभी इस जनरेशन की ये है, तो मैं इनकी हेल्प ले रही हूँ ताकि मैं अपने घर के इशू सॉल्व कर पाऊँ और सारी चीज़ें मेरी मुट्ठी में हो जाए। हाँ क्या 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 क्या, दिल तो बहुत लूटे हैं इसने, दिल, अच्छा दिल लूटे हैं मैंने और बहुत सारे लड़कों के घर भी लूटे हैं। यहाँ पर मैं आई थी जो मेरा बॉयफ्रेंड है समर, बट समर से शादी नहीं हो पाई, कुछ ऐसी तिकड़म हमने बिठाई और हमने शिवा मैंने शिवा से शादी कर ली, मैं शिवा की दूसरी बीवी हूँ। बहुत स्मार्ट है ये। हाँ
समर के पास अब कुछ बचा नहीं ना, तो मैंने शिवा से शादी कर ली। तो बट अब कुछ ऐसा हुआ कि गुरु माँ ने भी मेरे साथ भी खेल खेले, वो खेल खेलती हैं, सुमायर हैं, उन्होंने कुछ ऐसे खेल खेले कि अब मीनका अच्छी हो जाएगी, शायद उसे अपने पति से प्यार हो जाएगा और वो कुछ ऐसा करेगी जो गुरु माँ को अच्छा नहीं लगेगा। जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला। बाप के पास तो 3 बीवियाँ थी, बेटे के पास 2 बीवियाँ। हाँ, तुम लोग के बच्चे नहीं पैदा करने दूंगी मैं, देख लेना, ये प्रॉपर्टी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। नो मोर किड्स इन दिस हाउस। और क्या है जर्नी आपकी? मेरा नाम है शालिनी महाल और ये मेरा 4th शो है। सबसे पहले मैंने जी टीवी के साथ डेब्यू किया था गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, उसके बाद मैंने एक वेब सीरीज़ करी, उसके बाद मैंने मीत का जी टीवी का एक और शो किया मीत, जिसमें मैंने छवि का कैरेक्टर प्ले किया था, दैट वाज वेरी क्यूट बबली। और अभी ये मेरा 4th शो है जिसमें मैं नेगेटिव कर रही हूँ, सो फॉर मी ये एक बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है। सो अभी तक मेरी बहुत छोटी सी जर्नी है, मुझे 1 साल ही हुआ है मुंबई में, मैं अभी आई हूँ और बहुत सारा प्यार मिला लेकिन एकदम से मुझे मुंबई से, यहाँ के लोगों से। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रोल था ना ये नायरा के लिए, बहुत ही शॉकिंग एंड बहुत ही अलग रोल था, मेरे लिए भी है। बट मेरे लिए ये किक यही था कि आई लाइक डूइंग डिफरेंट डिसगाइज। एक शो में आपको बहुत सारी जिंदगी जीने मिलती है, जैसे दिव्यदृष्टि में कितने लुक्स कितने भेस बदले मैंने, इसमें भी वही। तो एक एक्टर को अगर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिले किसी शो में, इट्स अमेजिंग। एंड लोगों को भी मुझे एक अलग तरीके में देखने का मौका मिला, तो वो भी बड़े सरप्राइज्ड है। कुछ लोगों को पसंद नहीं क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ पॉजिटिव करूँ, कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है कि नारा ये भी कर सकती है। इट्स मिक्सड फीलिंग्स एंड मिक्सड इमोशंस, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू प्ले अ गुड रोल, आई एम गेटिंग टू हैव माई क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, आई एम अर्निंग। लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों का आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं काम कर रही हूँ एंड I'm in a happy space of life. दर्शकों से मैं तो यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, हमारी मेहनत को ऐसे ही सराहते रहिए और प्लीज़ 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 अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। आज का सीक्वेंस बसंत पंचमी का सीक्वेंस है और जैसे कि हम सारे त्यौहार मनाते हैं, हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी भी बड़े हम धूमधाम से मनाने के लिए सारी तैयारियाँ हुई थी, माता रानी की पूजा आरती। पर इन सब में ना एक दुख है क्योंकि शिवा को एक बीमारी है जो रसाल को नहीं पता, तो इस पूरे ड्रामे में आप देखेंगे कि कैसे बार बार रसाल तक वो सच्चाई आने की कोशिश होती है, सच्चाई लाने की कोशिश होती है बाकी, पर वो हाँ पर वो आ पाती है नहीं पाती है। सो ये पूरा आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। रसाल इज ऑलमोस्ट गुड, उसके सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से कुछ मूड स्विंग्स हो रहे हैं और मेरा मूड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है क्योंकि मेरा पति बहुत बीमार है। एक सीन तरह का अंदर रोमांस वाला, यहाँ पे गुलाब का फूल दिया जा रहा था। हाँ, कोई पीछे से देख, गुलाब का फूल किसने दिया? अच्छा तुम्हारे भाई साहब ने हमें। अच्छा तुम्हारा भी हुआ था गुलाब का, क्या हुआ था बताओ? क्या था ये? वो सीन ये है कि मैं रसाल को बार बार बताना चाहती हूँ कि उसका भाई इस तरह बीमार है क्योंकि वो एक इकलौती लड़की है जिसका खून है और प्लाज्मा उसे डोनेट कर सकती है, उसकी जान बचा सकती है, पर रसाल क्योंकि खुद प्रेग्नेंट है तो उसका भाई कभी नहीं चाहेगा कि वो अपना वो कभी नहीं चाहेगा कि रसाल को कोई भी तकलीफ हो। तो बस इसी सब में मैं बहुत परेशान हूँ, तो थोड़ा सा शिवा मेरा मूड लाइट करता है, मुझे गुलाब का फूल देता है, मेरा थोड़ा सा चेयर करता है। यार सी माय ब्रदर सो रोमांटिक, यू मस्ट बी। हाँ रोमांटिक मैंने बनाए नहीं नहीं बढ़िया, शिवा हैज ऑलवेज बीन लाइक रिश्ता निभाता है वो लड़का। हाँ ऐसे मेरी जान लेके रखी हुई है उसने कि बस मैं मर जाऊँ चलेगा, बहन के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, तो मेरी जान लेके रखी हुई है मेरी। बट अगर कभी मुझे छोड़ के दूसरे से शादी करना, पर अगर वो अपनी बहन से इतना प्यार करता है तो वो बीवी से कितना करेगा, राइट? बीवी से कम ही है, बीवी से प्यार कम ही है, उसको बहन से ज्यादा प्यार है।
But it's okay. मतलब कनक कभी-कभी mind करती भी है, but otherwise कनक and Rasala are very cool about it. Actually, I've accepted the fact, you know, because मेरे पास कोई option नहीं है. So as long as वो मुझसे भी प्यार करता है, ठीक है. But जहाँ बात जान की आती है, अभी तुम मेरे को बिहा के लाए हो एक घर में, और उसके बाद तुम कभी दूसरी शादी कर लेते हो बहन के चक्कर में, कभी तुम अपनी जान जाने वाली तो तुम बहन के बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरे से दूर जाने की बातें कर रहे हो, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे चलती रहती है. हाँ, प्यार तो मुझे बहुत करता है, मतलब दूसरी शादी भी करके आ गया था ना, तब भी उसने सिर्फ प्यार मुझसे ही किया. एग्जैक्टली. स्वागत है हमारी. ओके, लेटर, वो लेटर जो मैंने रिसाल के लिखा है, क्योंकि बोलने तो दे नहीं रहा, उसने कसम खाई है रिसाल में कुछ नहीं बोलेंगी, तो मैं लिख के दे दिया. देख ले भाई, समझ लो भी क्या है आपस का भाई बहन में, वो आ गया उसका भाई. दाइसा है, दाइसा सबको पता ही, दाइसा दाइसा है नहीं, चकोरी मासा है, बहरूपिया हमारी चकोरी मासा कभी भी कोई भी रूप धारण करके आ जाती है, तो वही देख रही है, और वो हमेशा की तरह कोशिशें करेंगे, अब देखते हैं उनकी कोशिश कामयाब होती है कि नहीं. इसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा. वसंत पंचमी के लिए क्या कहेंगे? वसंत पंचमी के लिए यही कहेंगे कि हर्षोल्लास का त्यौहार है, नया साल शुरू होता है कुछ लोगों की, कुछ डायमेंशंस में कुछ लोगों के लिए ये नए साल की भी शुरुआत होती है, जैसे किसी के लिए 31st की होती है, किसी के लिए दिवाली को होती है, और प्लस समर्स की शुरुआत होती है गर्मियों की, नए मौसम की. सो या इट्स सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ खुश रहिए, अच्छे से अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ भी मनाइए, इन्जॉय कीजिए, आई विश अ वेरी हैप्पी हैप्पी बसंत पंचमी. हमारा सीरियल क्या पूछा आपने? बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, दर्शकों को क्या कहने संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? थैंक यू बोलना चाहेंगे. थैंक यू बोलना चाहेंगे. और अगर आप लोग को वाकई पसंद आता ना, तो ऐसे में गिफ्ट विफ्ट भेजते रहिए, ताकि हमें पता चलेगा आपको पसंद आ रहा है, अच्छा काम करेंगे. जस्ट किडिंग. थैंक यू सो मच आप सबके बहुत सारे प्यार के लिए, और जितना प्रोत्साहन हमें मिलता है सोशल मीडिया पे भी, जो हमें मोटिवेशन देता है हर दिन अच्छा काम करने का. थैंक यू. देखो, अगर आप कनक से पूछोगे ना, तो वो उसके बारे में बात बात करेंगे. वैशाली से तो पूछना ही मत आप वैलेंटाइन डे के बारे में. मेरा नाम वैसे सोनीर वडेरा है, और मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ उस कैरेक्टर का नाम है मूंग सिंह. और अभी जो हम सीक्वेंस कर रहे हैं उसमें ये है कि मैं और चकोरी, जैसे कि हम लोगों की वजह से घर में सारे के सारे कलेश होते हैं, हम लोग विलन्स हैं इस शो के, और ऐसा कभी एपिसोड जाता ही नहीं है कि हम लोग कोई गड़बड़ ना करें. तो इस बार भी हम लोग वही गड़बड़ कर रहे हैं कि मैंने किडनैप तो किया है कनक को, ताकि शिवराज और मेनका, जो अभी नई कैरेक्टर आई है, शिवराज और मेनका का सुहागरात का सीन है, कि वो हो सके. लेकिन गलती मेरे से ये हो जाती है कि मैं कनक को किडनैप करने के बजाय मेनका को ही किडनैप कर लेता हूँ. तो अभी मैं चकोरी के पास लेके जाऊँगा उसको, और फिर मेरे को डांट पड़ेगी एज यूजल, जैसे होता है कि चकोरी मेरे को डांटती है कि तू गधा है, तो गधा ही रहेगा, कोई काम ढंग से नहीं करता है. अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं एकदम स्मार्ट हूँ, अच्छा सा काम करूँ, है ना, बट वो हमेशा मेरे से गड़बड़ हो जाती है. तो इस बार भी अभी वही सीक्वेंस है. चकोरी का मतलब प्लान है ये बहुत बड़ा जी, ड्रामा होने वाला है जी, ये चकोरी का ही प्लान है. एक्चुअली चकोरी और मेरी प्लानिंग थी, चकोरी को घर से निकाल दिया था, उसमें भी हम लोग की प्लानिंग थी कि मैं मुकर जाता हूँ कि भाई मैं चकोरी को नहीं जानता हूँ, आप इसको घर से निकाल दो, मेरे को घर में रख लो. तो शिवा मेरे को घर पर रख लेता है ये सोच कर कि शायद मैं सुधर गया हूँ, बट मैं सुधरा बिल्कुल भी नहीं हूँ. घर में जो कुछ भी हो रहा है मैं सब चकोरी को बताता रहता हूँ कि अभी ये प्लानिंग चल रही है, अभी ये सब होने वाला है, उसके आगे हमें क्या करना है. तो वो चकोरी बाहर से बैठ के प्लान करती है. अभी वो घर में आ गई है, लेकिन भेस बदल के आई है, तो किसी को पता नहीं है. तो अभी हम लोग दोनों वापस से मिल गए हैं, फिर गड़बड़ करते हैं. तो अभी आगे जो है बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है देखने में. कल बसंत पंचमी का सीक्वेंस शूट हुआ था जी, हाँ, कल वसंत पंचमी का सीक्वेंस शूट हुआ था. सबसे पहले तो वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे दर्शकों को. वसंत पंचमी का ये था कि सरस्वती माता की हम लोगों ने पूजा की उसमें, और थोड़ा सा डांस का सीक्वेंस हुआ था, जिसमें शिवराज और पूरी फैमिली जो है वो रसाल को मना रही है, क्योंकि उसको अभी जैसे उसका दिखाया कि प्रेगनेंसी का चल रहा है, तो उसका खाना पीने का के मूड स्विंग्स होते हैं,
तो उसी को सारे मनाने में लगे पड़े हैं कि भाई कोई मिठाई खिला रहा है, कोई उसको पानी पूरी खिला रहा है, तो उसी में हल्का फुल्का मनोरंजन, हल्का फुल्का डांस सीक्वेंस था। सर रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, टचवुड। मेरा तो खैर ये पहला ही शो है कि जिसमें मैं फर्स्ट एपिसोड से मैं काम कर रहा हूँ, और एज़ मूंग सिंह, लोग मूंग सिंह को बहुत प्यार करते हैं, भले ही ये विलन है, लेकिन विलन के साथ साथ मेरे कैरेक्टर में बहुत सारी वेरिएशंस हैं कि मैं कॉमेडी भी हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मैं सीरियस भी हूँ, और विलन तो मैं हूँ ही, मतलब गड़बड़ तो करनी ही करनी है। अब गड़बड़ में भी उसमें भी मैं कॉमेडी हो ही जाता है, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मूंग सिंह का कैरेक्टर, और हमारे शो को इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ देखते रहिए, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 150 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे हमें बेस्ट विशेस देते रहिए, हमारे शो को इतना प्यार देते रहिए कि हम 1,500, 2,000, 2,500 शो एपिसोड्स करें। अभी का सीक्वेंस सर ये है कि मैंने किडनैप करना था कनक को, लेकिन किडनैप कर लिया है अपनी ही टीम की बंदी को, मेनका को, वो भी बिल्कुल बिजली चली जाती है, मैं ही प्लान करता हूँ कि बिजली चली जाएगी तो अंधेरे में मैं उसको उठा लूँगा, लेकिन गलत बंदी को उठा लिया, उसी की वजह से अभी मेरे को डांट पड़ने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा शर्मा, मैं रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल में रसाल का किरदार प्ले कर रही हूँ, और आज का सीक्वेंस है बसंत पंचमी स्पेशल। जैसे कि आप जानते हैं बसंत पंचमी आने वाली है, कल ही है इनफैक्ट, तो आज हमारे घर में बसंत पंचमी का सेलिब्रेशन हो रहा है। रसाल का भाई शिवराज यानी शिवराज भाई साहब उसके लिए बहुत सारे पकवान बनवाते हैं, और डांस होगा, खूब मस्ती होगी। जैसे कि हम जानते हैं रसाल प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसका उसके भाई साहब जो हैं उसे एंटरटेन करते हैं, उसे अलग अलग चीज़ें बना के खिलाते हैं, वो गोलगप्पे खाते हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भाई बहन के लिए परफॉर्म करने वाला है। से कनक क्या बताने वाली है रसाल पर, कभी सीक्वेंस साले पर आप मैं बता सकती हूँ क्या वो? हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा तो अभी आपको नहीं बता सकती हूँ, उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा रक्षाबंधन, जो कि दंगल टीवी पे आता है 7:30 बजे, और ना ही सिर्फ दंगल टीवी पे, अब आप हमें वूट पे भी देख सकते हैं और जियो टीवी पे भी। अगर आप रक्षाबंधन देखेंगे दर्शकों में काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, तो दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? दर्शकों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, जितना प्यार आप दे रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज इट कीप्स अस मोटिवेटेड, इसी से मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का मन करता है, और बस थैंक यू सो मच। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं बसंत पंचमी की, और आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा शो यूं ही देखते रहिए, यूं ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए, और देखते रहिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल। तो जैसे कि आप जानते हैं रसाल एक ऐसा किरदार है जो कि बहुत ही प्यारी सी लड़की है, अगर उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंसान कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो है शिवराज भाई साहब, और अभी अगर शिवराज भाई साहब के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो वो रसाल के ऊपर भी आती है, राइट। अभी जैसे कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, बट थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि भाई की हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो कि रसाल को पता चलने वाली है, अभी नहीं पता चला है उसे, बट बहुत ही जल्द उसे पता चल जाएगा, और फिर देखते हैं क्या होगा। मैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिठाइयाँ खा के मनाती हूँ, हमें खाना खाना बहुत पसंद है, तो वी लाइक टू सेलिब्रेट इट विद फूड फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि अभी फैमिली से दूर हूँ मैं, बॉम्बे में हूँ, तो सेट पे ही बना रहे हैं हम लोग, बिकॉज ये भी फैमिली की तरह ही है, हम लोग साथ में करते हैं दिन रात, तो इट बिकम लाइक अ फैमिली। ओ कंग्रेचुलेशंस, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट, एंड आई वुड डेफिनेटली से दैट जो शो है, नॉट जस्ट दिस शो बट एवरी शो ऑन दिस चैनल, दिस इज अमेजिंग, और आप देखते होंगे BTS भी डालते हैं रक्षाबंधन के, तो हाँ YouTube पे तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच।
अगर आप वैशाली वर्षा की बात कर रहे हैं तो कनक रसाल की बात करें तो हाँ हम लोग किरदार ऐसे ही मिलते हैं जैसे वैशाली वर्षा के दास थे, बट वो फिर भी थोड़े डिफरेंट है, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं।